भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक शिमला में शुरू हो गई है। इस बैठक में नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश महामंत्री वंदना गुलेरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को घर घर तक ले जाने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। 3 दिवसीय महिला कार्य समिति का कल से शुभारंभ हुआ है और कल हमारी पदाधिकारियों की बैठक थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हमें सुरेश भारद्वाज जी का पूरा लेख जो है हमें सुनने को मिलेगा एंड उसके बाद हमारी हर बूथ अपने बूथ को कैसे हमने सशक्त करना है उसके ऊपर हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो हैं हमें उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी 5 बजे इधर आएंगे। उनका हमें पूरा जो जो हमारी प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार ने जो महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी वो हमें देंगे। हमने किस तरह से उन जो हमारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक कैसे पहुंचाना है उसके बारे में हमारी जो यहाँ की जो कार्य समिति है इससे हम क्या क्या सीख के जाती हैं हमारा महिला मोर्चा, क्योंकि यहाँ पर क्रीम जो है हमारा महिला मोर्चा प्रदेश स्तर के पदाधिकारी प्रदेश स्तर की कार्य समिति के सदस्य और जिला की अध्यक्षाएं जिला के महामंत्री इस कार्य समिति में अपेक्षित हैं। मार्च अप्रैल में हमारे MC के इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत पहले MC में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, आगे भी हम ही उसमें विराजमान रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं की बात करूंगी क्योंकि महिलाओं के लिए जो हमारी चाहे पंचायती राज है हमारा MC का है उसमें जो है 50% जो टिकट आवंटन जो होता है वो महिलाओं के लिए किया जाता है। महिला को सशक्त करने के लिए अगर कदम उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।